आचार्य श्री, ध्यान क्या है और आपकी बातों को हमेशा ध्यान में कैसे याद रखा जाए? अब तक ध्यान के संदर्भ में यही सुना है कि वर्तमान और पूर्ण होशावास में रहना ही ध्यान है, किंतु जब बात अहंकार से दूर हटने की आती है तो मैं यानी अपने आप से दूर हटकर स्वयं को देखना पड़ता है। यही दूर से देखना ध्यान से हटा देता है। दोनों स्थितियों को कैसे संतुलित किया जाए? ध्याना ध्यान ध्येय सब शब्द एक ही धातु से उठ रहे हैं। ध्यान समझना है तो जरा ध्येय को समझना। मन हमेशा किसी लक्ष्य के पीछे रहता है। लक्ष्य माने ध्येय। मन को हमेशा कुछ चाहिए, चाहत माने ध्येय। ध्यान का अर्थ होता है कि ध्येय अब मात्र सत्य रहा, लगातार उसी को ध्या रहे हैं। इंद्रियगत मानसिक बौद्धिक जो भी गतिविधियां चल रही हैं, तलाश उसमें सच्चाई की ही है। मन उसमें लगातार शांति खोज रहा है, शांति ही उसका ध्येय है। शांति और सत्य एक बात है, क्योंकि जहां कहीं भी कुछ मिलता है जो धोखा देगा वहीं अशांत होते हो। जो धोखा दे दे वो असत्य। और धोखा माने क्या? कि समझा कुछ और निकला कुछ और। जो आज दिखा वो कल नहीं था। जिसको जो मान लिया वो चीज कुछ समय बाद परिवर्तित पता चली। ये है मन को धोखा। इसी से मन में मचती है उठापटक, इसी से आती है अशांति। मन अगर तलाश रहा है ऐसी ही चीजों को जिनको वो जानता है कि बदलेंगी और धोखा देंगी, जिनमें वो जानता है कि इतनी गहराई नहीं है कि वो स्थिर अचल रह सकें, तो मन ध्यानी नहीं है। ये मन अपना दुश्मन है, ध्यान का दुश्मन है। ये मन तो चाह रहा है कि धोखा खाए। इसने तो अपनी आत्मधारणा की निर्मिति ही धोखे के इर्द गिर्द कर ली है। ये मन बड़ा बीमार हो गया है। ध्यानी मन वो है जो वहां रहना चाहता है जहां रहने में चैन है, आनंद है, स्थायित्व और शांति है। ध्यानी मन वो है जिसके सामने जब संसार के सब छल
और छद्म रूप पढ़ते हैं तो वो उन रूपों को सत्य नहीं मान लेता, उन रूपों से आकर्षित नहीं हो जाता, बल्कि उन रूपों के पीछे सत्य की तलाश करता है। ध्यानी मन ऐसा जैसे कोई छलनी लेकर के घूम रहा हो। और उस छलनी से जितना झूठ धोखा कपट है वो सब छान देता हो। इस छानने को ध्यान कहते हैं। ये वो ध्यान है जिसे तुम 24 घंटे साध सकते हो। आंख देख रही है तमाम तरह के प्रपंचों को, दृश्यों को, पर आंख ऐसी नमित है और समर्पित है सत्य को कि उसे सत्य के अलावा जो कुछ भी दिखाई देता है उसे वो सत्य का नाम देती ही नहीं। ये ध्यान है। मेरी आंख ऐसी हो गई है कि तुम मुझे झूठ दिखाओ तो मैं झूठ को तुरंत झूठ जान लूंगा, पकड़ लूंगा, सच का दर्जा नहीं दूंगा उसको। ये ध्यान है। मैं भली भांति जानता हूं मैं किसको तलाश रहा हूं, और जिसको तलाश रहा हूं उससे बड़ा पुराना परिचय है मेरा, बड़ी घनिष्ठ आत्मीयता है मेरी, हमारा ऐसा नाता है मानो हम एक ही हैं। और किसी दूसरे से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, हजारवे, करोड़वे आते रहते हैं मेरे सामने और मैं उन्हें मुस्कुरा के नमस्कार भर कर देता हूं। मैं उनसे कोई नाता जोड़ ही नहीं लेता। ये ध्यान है। मेरी आंख तो जाकर के टिकती है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पर, सिर्फ और सिर्फ मेरे ध्येय पर। ये ध्यान है। ध्यान का अर्थ है प्रगाढ़ प्रेम, कि जैसे कोई अपने प्रेमी को ढूंढता हो और दुनिया भर के अन्य लोग और लोभ उसके सामने आते रहे और वो उनको देखे और देख के अनदेखा कर दे, क्योंकि वो तो ढूंढ रहा है सिर्फ उसको जिससे प्रेम है, उसको जिसके प्रति समर्पित है, उससे जिससे एक सच्चा नाता है, उसके अलावा वो किसी को तलाश रहा नहीं। इसके अलावा होती हैं ध्यान की विधियां, उन्हें आप ध्यान मत मान लिया करो, वो उपयोगी हैं क्योंकि उससे आपको झलक मिलती है अशांति से रिक्त मन की भी, पर झलकें जीवन नहीं हो जाती, भगवान की झांकी भगवान नहीं हो जाती, भगवान की झांकी आपके हृदय में प्यास पैदा कर सकती है पर वो भगवान का स्थान नहीं ले सकती, ना विकल्प बन सकती है। ध्यान की सैकड़ों हजारों विधियां, फिर कह रहा हूं उन विधियों को ध्यान का दर्जा मत दे देना। उन विधियों से तो ऐसा ही होता है जैसे कपाट पल भर को खुले और फिर बंद हो गए, क्योंकि कोई विधि अनंत तक नहीं ले जाती आपको, हर विधि शुरू होती है और फिर खत्म भी होती है। एक समय होगा जब आप विधि की शुरुआत करेंगे और एक समय होगा जब विधि का अंत हो जाएगा। ध्यान वो है जो विधि के बाद भी सतत कायम रहे, जिसकी सत्ता अक्षुण्ण हो। ऐसा हो सकता है कि विधि के यथोचित अनुपालन से आपको ध्यान की वो गहराई उपलब्ध हो जाए,
पर विधि से हो चाहे न हो, बात आंतरिक सच्चाई की है, तरीका लगाने की नहीं है। विधि से भी ध्यान की उच्चतम संभावना उपलब्ध उसी को होगी जिसका मन पहले निश्चल होगा, जिसका मन पहले समर्पित होगा कि एक के अलावा कोई दूसरा चाहिए ही नहीं। उदाहरण देता हूं, इससे समझोगे। तुम ढूंढ तो रहे हो अपने प्रेमी को, लेकिन शत प्रतिशत नहीं हो समर्पित। प्रेमी भला है पर दूसरे भी भले हैं। प्रेमी अच्छा है लेकिन और भी है 10, 5, 50 जो जरा कम अच्छे नहीं, या कि यदि कम अच्छे हैं तो थोड़े ही कम अच्छे हैं। 19-20 का फर्क है उनमें और प्रेमी में। प्रेमी न मिला तो कुछ और ही सही। अब ऐसे में कोई आता है तुमको सहारा देने, ऐसे में कोई आता है जो तुम्हारी बांह पकड़ के ले जाता है और कहता है वो देखो वहां मिलेगा सत्य, वहां मिलेगा वो जिसके प्रति निष्ठा है तुम में, तो उसने तुमको झलक तो दिखा दी कि वो दूर वहां मिलेगा, पर मन में तो अभी भी तुम्हारे कईयों की लालसा बैठी हुई है ना। झलक तुमने देख भी ली तो बाकी झलकें तो बंद नहीं हो गई हैं। सत्य की झलक मिल गई पर संसार तुम्हें अकेला तो कभी छोड़ता नहीं। सत्य दिख भी गया तो साथ में संसार तो सदैव लगा ही हुआ है, और संसार भी अपनी झलकियां क्या, अपना पूर्ण प्रदर्शन लगातार करता रहेगा। तो तुम्हें बता भी दिया गया वहां है सत्य, तो भी दूसरे तुम्हें खींच ही ले जाएंगे। इसलिए विधियां हम पर बहुधा असफल हो जाती हैं। समझो बात को, ध्यान ने तुम्हें किसकी झांकी उपलब्ध कराई? मौन की, शांति की, चैन की, एक प्यारी आंतरिक नीरवता, उसके तुम दर्शन कर आए, वहां तुम बैठ आए, वहां तुम विश्राम कर आए। लेकिन वृत्ति का अभी समूल नाश तो हुआ नहीं है, तो मन में अभी भी अनुराग है किसके प्रति? बेचैनी के प्रति, उत्तेजना के प्रति, तमाम तरह के इंद्रियगत रसों के प्रति। शांति से परिचय हो गया लेकिन अशांति अभी भी प्यारी तो लगती ही है। शांति से मिल आए लेकिन प्यारी अशांति अभी भी लगती है। ऐसा नहीं कि शांति बुरी लगती है, लेकिन कभी शांति कभी, तुम अभी दोनों में बस 19-20 का ही अंतर देख रहे हो। तुम दोनों में अगर भेद करते भी हो तो मात्र मौखिक। तुम अभी दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पाए हो। तो शांति की विधि एक समय पर आकर के खत्म होगी, उसके बाद विधिदाता की अपेक्षा ये होती है कि शांति की झलक देख ली, अब तुम स्वयं ही शांति में स्थापित रहोगे। उसकी झलक ये होती है कि तुम्हें घर का रास्ता दिखा दिया, अब तुम सीधे चलोगे और कहाँ पहुँच जाओगे? घर, क्योंकि रास्ता दिखा दिया ना। वो रही झलक, देखो वो घर दिख रहा है, झलक दिखी, हाँ 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 बढ़िया है, और तुम्हें याद भी दिला दिया कि देखो घर कितनी प्यारी जगह होती है, सब बता दिया। और उसके बाद वो चला जाएगा, विधि का समापन हो जाएगा, वो गया। और वो क्या उम्मीद करके गया है कि अब तुम यहां से चलोगे और सीधे घर ही जाओगे? लेकिन तुम्हारी वृत्ति में तो अभी बाकी है भटकना। तुम्हारा मन एकनिष्ठ है नहीं। तो विधि समाप्त हुई, बताने वाला चला गया, विधि का समापन, और तुम किधर को चल दिए? कभी इधर कभी उधर,
अब पता है कि घर सामने है और तुम भटक रहे हो, ये ज्यादा बड़ा पाप है। जिन्हें न पता हो कि सत्य कहाँ है और भटकते हो, उनकी एक बार को माफी है, पर जिन्हें झलक दिखला दी गई, जिन्हें प्रमाणित कर दिया गया, जिन्हें स्वाद दे दिया गया और उसके बाद भी उनका चित्त अधोगामी ही है, रसोगामी ही है, उन्हें कैसे क्षमा मिलेगी? उन्हें तो कर्म फल का पहाड़ ढोना पड़ेगा। ध्यान की विधियां इसलिए असफल हो जाती हैं। इसीलिए मैं विधियों का बहुत हिमायती नहीं हूं। मैं कहता हूं मन साफ करो, और मन तुम साफ तब करोगे जब पहले तुम्हें पता चलेगा कि मन कैसा गंदा है, कहां कहां उसमें गंदगी बैठी है। साफ दृष्टा बनोगे मन के और देखोगे कि ये देखो, मौका उपलब्ध था, सच के पास भी हो सकते थे, झूठ के पास भी हो सकते थे, और हमने क्या चुन लिया? झूठ। ये देखो, मौका उपलब्ध था, विश्रामस्थ भी हो सकते थे और उपद्रव में भी भाग ले सकते थे, और हमने क्या चुन लिया? उपद्रव। अंततः तो मन को शांति में स्थापित होना है, ऐसा वहां बंधन जोड़ना है, ऐसी गांठ बांधनी है कि टूटे ना और दूरी कभी बने ना। वो गांठ जबरदस्ती नहीं बांधी जा सकती। विधि तो एक प्रकार की जबरदस्ती है, एक प्रकार की चतुराई है। उसमें तो मन के साथ तिकड़म लगा रहे हो, मन के साथ खेल खेल रहे हो। कुछ क्रियाओं का पालन कर रहे हो कि इन क्रियाओं का पालन करने से क्या पता मन वश में आ जाए। अभी मन की सहज सम्मति, स्वीकृति नहीं मिली है, ये मन के साथ चतुराई करी जा रही है, खेल करा जा रहा है। मैं कह रहा हूं भली चतुराई है, करी जानी चाहिए, पर मैं ये भी जानता हूं कि मन के ऊपर जबरदस्ती चलती नहीं, प्रेम में बलात् कुछ होता नहीं। ध्यान में स्थापित तो तुम तभी होगे जब मन को प्रेम आ जाए। प्रेम आया नहीं, तुम उसकी बाह पकड़ के घसीट लाए हो, ले बैठ शांति में। मन में शांति के प्रति अभी प्रेम आया नहीं है और तुम उसकी बाह पकड़ के घसीट लाए हो या बहला फुसला के ले आए हो कि आओ शांति में बैठो, शांति के दर्शन करो, झलक पाओ। तो उसे भली तो लगेगी शांति, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका जी शांति से फिर उछटेगा और वो दौड़ जाएगा अशांति की ओर। अपनी तरफ से प्यार उठना चाहिए। बेशर्त हो जानी चाहिए ये चीज। स्थिति कुछ भी हो, पागलपन हमें चाहिए नहीं। नुकसान कितना भी हो, सच्चाई से हमें डिगना नहीं। बेशर्त हो जानी चाहिए बात। ऐसा नहीं कि देखो अगर 20,000 तक का नुकसान होता होगा तो झेल लेंगे सच्चाई की खातिर, पर भाई 25 का हुआ अगर तो फिर झूठ को ही स्वीकार करना पड़ेगा, नुकसान ज्यादा है। ऐसे नहीं चलेगा, शर्तें नहीं चलेंगी। कि वहां से पुकार आ रही है, बुलाया जा रहा है, आ जाओ, आसमान तुम्हें न्योता दे रहे हैं, और तुम कह रहे हो मान जाए अगर पिताजी कि पत्नी जी कि पड़ोसी जी तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये तुम बड़े छल का प्रदर्शन कर रहे हो, ये तुम शर्तें लगा रहे हो। वर्तमान में क्या द्वंद को देखना चाहिए? जैसे अभी सुख में है तो पता लग जाएगा कि इसका रिफ्लेक्शन एक दुख भी है। या जो भी देखोगे वर्तमान में ही तो देखोगे। वर्तमान शब्द को हटा दो, उसकी आवश्यकता नहीं है। देखना चाहिए, देखना चाहिए। दर्शन तो सदा वर्तमान में ही होते हैं, अतीत में थोड़ी दर्शन करोगे।
जैसे अतीत में जाके सांस नहीं ले सकते, वैसे ही अतीत में जाके देख सकते हो क्या? जाओ जरा 5 मिनट पहले की चीज देख के आओ, जाओ और 5 मिनट पहले क्या हो रहा था देख के आओ। दृष्टा होना आवश्यक है और दृष्टा तो होगा तो जो समक्ष है उसी का होगा ना, ना आगे का होगा ना पीछे का होगा। जैसे आचार्य जी दृष्टा होते समय फिर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट की, जैसे अपना होश आवास वो भी खो बैठते हैं, जैसे दूर से देखना अपने आप को, इस खोने को भी देखो, वहां पे तो हल्कापन महसूस हो जाएगा। इस खोने के भी दृष्टा हो जाओ, न पाना सत्य है न खोना सत्य है, कुछ पा रहे हो उसके भी दृष्टा हो जाओ, कुछ खोता हो भले ही चेतना खोती हो तो उसके भी दृष्टा हो जाओ। चेतना भी दृष्टा नहीं होती है, दृश्य ही होती है, चेतना के भी तुम दृष्टा हो सकते हो, होना चाहिए। चेतना का दृष्टा होना माने और क्या होता है? यही तो कि जो कुछ घटित हो रहा है चेतना में हम देख रहे हैं कि हो रहा है, उसके साथ जुड़ नहीं लिए, लग नहीं लिए, बह ही नहीं गए। चेतना अपना काम कर रही है और एक बिंदु है जो स्थिर है, कोई काम नहीं कर रहा, वो अकर्ता है, वो अकंप है, उसे कोई लेना देना नहीं, वो बस जानता है। प्रतिपल सुध रहे मौन की, प्रतिपल स्थापित रहो परमात्मा में, ये ध्यान है। इसके अलावा बाकी जिस भी बात को तुम ध्यान बोलोगे वो बात अधूरी होगी। सतत है, सतत ध्येय सतत ही होता है ना, या ऐसा कहते हो कि अभी मेरा ये ध्येय है और दोपहर के भोजन के बाद कुछ और हो जाएगा। परम ध्येय को तो सतत होना ही पड़ेगा, नहीं तो जीवन बड़ा उथल पुथल से भरा रहेगा, कि जैसे तुम्हारी गाड़ी कभी इधर को जाती हो कभी उधर को जाती हो। ध्येय में सातत्य आवश्यक है, अगर जीवन में कुछ भी सतत चाहिए। तुम बाएं को चलो तो भी वही मंजिल हो और तुम दाएं को चलो तो भी वही मंजिल हो, राहें बदलती रहे, मंजिल तो एक होनी चाहिए ना। आचार्य जी ये सतत रहना है, ये क्या अभ्यास के जैसा है? अभ्यास करना होता है न डिगने का, अभ्यास करना होता है अपनी वृत्तियों के दृष्टा बने रहने का, सत्य का अभ्यास नहीं होता। अभ्यास में पुनरावृत्ति होती है, सत्य की पुनरावृत्ति थोड़ी होती है। अभ्यास तो ऐसा है जैसे जूठे बर्तन को मांजना, तुम घिस रहे हो, ये क्या है? ये अभ्यास है, ये घिसा जा रहा है। किसको घिस रहे हो? गौर से नहीं देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम बर्तन को घिस रहे हो। बर्तन को घिस के क्या करोगे? बर्तन तो सदा ही साफ है, लोहा कभी गंदा नहीं होता। लोहे को घिसने की जरूरत थोड़ी है, लगता यही है कि लोहा घिसा जा रहा है पर वास्तव में घिसी क्या जा रही है? गंदगी। मल को घिसना ही अभ्यास है, सत्य को मत घिसने लग जाना, मल को घिसो। हाँ, मल को तुम घिसते हो सत्य की अनुकंपा से, सत्य की अनुकंपा होती है, अभ्यास नहीं होता। असल में सत्य की मात्र अनुकंपा ही हो सकती है, उसके साथ तुम्हारा और कोई रिश्ता हो भी नहीं सकता। उसकी ओर से करुणा, तुम्हारी ओर से प्रेम, बस तुम्हारा और सच्चाई का यही नाता होता है। उसकी ओर से करुणा और तुम्हारी ओर से
उधर से अनुराग, उधर से अनुग्रह, इधर से अनुराग, उधर से अनुग्रह, इधर से अनुराग, यही ना।